अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप यू विल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ हमने अपनी लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी इम्पॉर्टेंस और वर्थ दी है कि हम लोग अपने स्कूल्स में कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश पढ़ाते हैं हालांकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है हमारी अपनी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है हमें अरबिक लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मगर क्योंकि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज है हर जगह पे जो है ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है चाहे आप लोग चाइनीज़ बोलें उर्दू बोलें पंजाबी बोलें जो जापनीज़ बोलें हिंदी बोलें कुछ भी बोलें आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो समझ आएगी ही आएगी क्योंकि इंग्लिश ने अपना स्टैंडर्ड जो है वो इतना हाईली मेंटेन कर लिया है कि अब ये ज़रूरियात ज़िंदगी में से एक है कि हम लोगों को बेसिक इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए तो उसी को लेकर आज मैं एक और डिग्री के हवाले हाँ से जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जिसका नाम है एम फिल इंग्लिश लिटरेचर बैचलर्स के हवाले से मैं ऑलरेडी इस पर पूरी कंप्लीट गाइड रिकॉर्ड कर चुकी हूँ अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर दूँगी मगर अब हम बात करेंगे एम क्योंकि एम जो है वो उसकी कंसिड्रेशन जो है वो हाइस्ट एजुकेशन के अंदर अब एड होती है स्कॉलर लेवल डिग्री होती है एम और आखिर स्टूडेंट्स एम क्यों करना प्रेफ़र करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में तो एम फिल के जो बेसिक ग्रिप होती है वो होती है रिसर्च जिन स्टूडेंट्स ने रिसर्च करनी होती है या बाहर के लिए अप्लाई करना होता है या फिर टीचिंग लेवल पे प्रोफ़ेसर के तौर पे जो है स्कूल टीचर के तौर पे नहीं प्रोफ़ेसर लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरशिप uh, के लिए अप्लाई करना होता है प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना होता है वो लोग जो है वो एम को सेलेक्ट करते हैं तो एम इंग्लिश लिटरेचर भी स्टूडेंट्स इसीलिए करते हैं ताकि वो एक तो रिसर्च ओरिएंटेड हो उनके रिसर्च में ग्रिप अच्छी हो और स्पेशली जो ये सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर का उसके अंदर उनको लिटरेसी के बारे में ज़्यादा पता चले और जो जितना भी लिटरेचर से कल्चर है उसके अंदर उनकी ग्रिप उसकी हिस्ट्री में ग्रिप उनके प्रेजेंट में ग्रिप उनकी राइटिंग में ग्रिप उनकी रिसर्च में स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो तो उनका बेसिक पर्पज़ यही होता है इस डिग्री को करने का अच्छा ये तो हो गई एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने एम फिल इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से आप लोगों को बताई है स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो है प्रॉबिबली इंग्लिश लैंग्वेज से हो इंग्लिश लिटरेचर से हो क्योंकि बी एस इंग्लिश भी होता है बी एस इंग्लिश लिटरेचर भी होता है दोनों ही अलग अलग डिग्रीज हैं तो आपका बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश से ही हो आ, इसके अलावा अगर आप लोगों ने एम एजुकेशन किया हुआ है तो भी मतलब एम ए तो नहीं खैर बी एस एजुकेशन किया हुआ है तो भी आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में एम फिल कर सकते हैं तो ये है एक सिनेरियो जो कि आप लोग इंग्लिश लिटरेचर करने से पहले एम फिल करने से पहले उसमें नॉट बैचलर्स एम फिल करने से पहले ये आप अपने जहन में डाल लें और अब हम आगे फर्दर जानते हैं कि अगर हम इस सब्जेक्ट को करते हैं एम करते हैं दो साल की डिग्री है उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपनी मेहनत अपनी एनर्जी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं हमारा करियर क्या है हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या है तो करियर यही है कि ऑब्वियसली ये जो सब्जेक्ट है बहुत फोकस्ड है इंग्लिश लिटरेचर करके आप लोग डॉक्टर इंजीनियर या कुछ और नहीं बन सकते ऑब्वियस सी बात है कि एक फोकस्ड सब्जेक्ट है कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप लोगों के पास मल्टीपल डिसिप्लिन की ऑप्शन आती हैं जॉब्स की भी ऑप्शन आती है मल्टीपल जगहों पे जॉब्स की ऑप्शन आती है मगर इंग्लिश लिटरेचर इतना फोकस्ड है कि उसमें आप लोगों को पता है कि आपने आगे क्या करना है ऑब्वियसली आप लोग राइटर के तौर तो पर काम कर सकते हैं ठीक है राइटर भी वो राइटर नहीं जो आम राइटर होता है अच्छा कंटेंट राइटर बन सकते हैं अच्छा आर्टिकल राइटर बन सकते हैं न्यूज़पेपर राइटर बन सकते हैं और आप लोगों को ये बात सुन के अच्छा भी लगेगा कि अगर आप लोग कोई अच्छा आर्टिकल लिखते हैं और उसको बाहर सेल करते हैं तो आप लोग लाखों रुपए भी अर्न कर सकते हैं कोई न्यूज़ आर्टिकल कोई भी डॉक्यूमेंट्री पे आर्टिकल कोई पाकिस्तानी कल्चर पे आर्टिकल किसी भी चीज़ पे कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और इवन तो अगर आप कॉन्टेंट राइटर भी बनते हैं एक एबल और एक केपेबल कॉन्टेंट राइटर बनते हैं तो आप लोगों को पर वर्ड के हिसाब से भी पैसे मिलते हैं मतलब आपको स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली पॉइंट फाइव पॉइंट एट से स्टार्ट होगा और पर वर्ड अगर आपको बहुत अच्छा आप राइटर है तो आप लोगों को पर वर्ड के हिसाब से वन रुपीज़ टू रुपीज़ भी कॉस्ट करेगा मतलब आप हिसाब लगा ले कि आप आराम से काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं तो ये है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात अब हम बात करते हैं कि हम लोग इस डिग्री के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एम है ऑब्वियसली अगर बैचलर्स किया हुआ है आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश में आप लोगों को अंदाज़ा है कि आप लोग इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं जैसे कि आप लोग सर्च मैथडोलोजी का आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिक्शन बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ेंगे ट्रांसनेशन uh, पोइट्री के सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोग पढ़ेंगे ड्रामेटिक थ्योरी और इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं ऑब्वियसली आप लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे और इस एम में आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप लोग थीसिस करें तो वो भी आप लोगों ने करना होगा अच्छा अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को करवाती हैं तो लिस्ट आपके सामने है क्योंकि एम है तो एम लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ करवाती है मगर एम एस इंग्लिश लिटरेचर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं उनमें से जैसे चंद हैं लीड्स लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी है वो करवाती है रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो एम करवाती है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है कॉम इस्लामाबाद कैंपस है कॉम लाहौर कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है और इस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस सब्जेक्ट को करवाती है एम फिल इन इंग्लिश लिटरेचर करवाती हैं अब हम बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन पे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। ड्यूरेशन ऑब्वियसली टू इयर्स डिग्री प्रोग्राम है एम फिल है तो टू इयर्स डिग्री प्रोग्राम है विच कंसिस्ट ऑफ़ फ़ोर सेमेस्टर्स एंड ईच सेमेस्टर इज़ ऑफ़ सिक्स मंथ्स और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आए तो इसके लिए आप लोगों ने ज़रूरी है कि आप लोगों ने 16 इयर्स ऑफ़ एजुकेशन कंप्लीट की हो एम के लिए बहुत ज़रूरी है कि 16 इयर्स ऑफ़ एजुकेशन हो आपके पास और इसके अलावा आप लोगों के जो बैचलर के सब्जेक्ट है वो रेलिवेंट हो जैसे बी एस एजुकेशन हो बी एस इंग्लिश लिटरेचर हो बी एस सिंपल इंग्लिश हो तो रेलिवेंट सब्जेक्ट हो तो ही आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं सिक्सटी परसेंट मार्क्स आप लोगों को चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर तो ही आप लोग एडमिशन ले सकते हैं मतलब कि अगर आपका जी पी ए फोर में से ही आता है प्रॉबेबली सबका ही फोर में से आता है तो फोर में से 2.00 हो तो ही आप लोग एलिजिबल होंगे इससे कम होंगे तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट नहीं करती इस तरह के स्टूडेंट्स को तो मेरिट एक क्राइटेरिया होता है कि सिक्सटी परसेंट अबव हो प्राइवेट में भी यही क्राइटेरिया है फिफ्टी परसेंट अबव हो उससे कम हो तो वो लोग नहीं लेते थर्ड डिविजन कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है मेरिट की अगर हम लोग बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि मेरिट आपका Uh, इतना होना चाहिए कि 2.00 हो आउट ऑफ फोर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए और 50% परसेंट अब आपका सी जी पी होना चाहिए बैचलर्स में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए फ़ीसेज अगर देखी देखी जाए तो गवर्नमेंट की कम होती है पच्चीस हज़ार पैंतीस से पैंतीस हज़ार आपको कॉस्ट करती है प्राइवेट की ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा होती है कि वो इंग्लिश लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में भी नाइन्टी थाउजेंड और वन लाख पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग कॉस्ट करते भी हैं तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये है एक ब्रीफ़ सी डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से एम फिल इंग्लिश लिटरेचर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ज़रूर करें और इट्स टोटली अप टू यू अच्छी डिग्री है अच्छा स्कोप रखने वाले एक डिग्री में से एक है स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि आजकल फ्री का बहुत सारा काम होता है आप लोग घर बैठे बैठे भी कॉन्टेंट राइटर के तौर पर या आर्टिकल राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा मैं दोबारा उम्मीद अल्लाह हाफिल